दीक्षा। दीक्षा, आप कहाँ से आ रहे हो? रामपुर। रामपुर कहाँ पड़ता है इंडिया में? इंडिया का कौन सा जिला है? यूपी में। रामपुर से आ रहे हो आप, ठीक है। अभी यहाँ आने के पहले आपके कान रिलेटेड क्या प्रॉब्लम था आपको? तीन महीने से मतलब सुनाई देना बंद हो गया। नहीं, पहले राइट कान, राइट कान में क्या था? राइट में छेद बताया था डॉक्टर ने। तो तीन महीने से उसमें सुनाई नहीं दे रहा था। लेफ्ट में तो बचपन से आपको प्रॉब्लम थी कि पूरा सुनाई नहीं दे रहा था लेफ्ट में। अभी आपका एज हुआ 25 साल, तो लेफ्ट कान का प्रॉब्लम आपका 25 साल पुराना हुआ, ठीक है। और ये जो राइट कान था जो आपका, उसमें तीन महीने से बिल्कुल वो भी उसको सुनाई नहीं देना हो रहा था। उसमें डॉक्टर ने बताया था होल है या कुछ है ऐसे करके, ठीक है। अभी यहाँ पे आप आए, उसके बाद हमने आपको ट्रीटमेंट दिया बिना मशीन बिना ऑपरेशन, सिर्फ कान में डालने वाली दवाई और खाने वाली दवाई से हमने आपका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है आप बताओ? अच्छा लगा ना? जो लेफ्ट वाला कान था जो 25 साल से बंद था, उसमें आवाज़ जानी चालू हो गई, आपको सुनाई देना चालू हुआ। राइट वाले कान में जो टीनिटस का प्रॉब्लम था और सुनाई देने का भी प्रॉब्लम था, वो भी आपको इम्प्रूवमेंट रिजल्ट मिला है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट के लिए आप दो शब्द बताइए आपके आशीर्वाद के क्या होंगे, कि ट्रीटमेंट कैसा है, किसी को ट्रस्ट करके करवाना चाहिए या नहीं, ऐसा आप क्या बोलोगे? आपको क्या लगता है कि हमारे पर ट्रस्ट करना चाहिए ना, ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, रिजल्ट मिलता है? हाँ सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार गुप्ता। अनिल कुमार जी, आपको कैसा लगा हमारा ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट अच्छा लगा। फिर तो अच्छा लगा ना। दीक्षा आपकी बेटी है ना? बेटी है, ठीक है। आपकी बेटी का जो रिजल्ट मिला है, आप खुश है ना? आप खुश तो रहेंगे ही, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? लोकेश गुप्ता। लोकेश जी, आपकी पत्नी एकदम सही हो गई है, कान उसका जो कान का जो प्रॉब्लम था जी, अभी एकदम सही हो गया है। और तीन महीने की दवाई लेंगी तो और इम्प्रूवमेंट बढ़ जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? तो रेफरेंस देंगे ना अपने गांव में, आप यूपी में जाओगे तो सबको बताओगे ना कि अहमदाबाद में ये ट्रीटमेंट होता है विदाउट मशीन विदाउट ऑपरेशन। पूछा था, वो बोल रहे थे बराबर कि आप जो है करा के आओ, उसमें जो अभी जगह पहले इनका करा के आओ, उसके बाद भी हम कई है पैसे कराइए, क्योंकि हमारे जो है वो जो बहन जो है उनकी दुरानी के कान की हड्डी जो है और पस्त वगैरह आ रहा है, उनका भी बोला था बरेली में कि ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन पे जो है क्या नाम, उन्होंने मना कर दिया। जब उनसे बात हुई होगी क्या नाम है जो है ऑपरेशन कराने से हमें सुनाई देगा नहीं देगा, तो उसकी जिम्मेदारी ने दी, गारंटी ने दी होगी, गारंटी जब ना ली तो फिर हम क्यों करा दें ऑपरेशन को। सही बात है आपका। चलिए कोई बात नहीं, आपके रेफरेंस में जो भी है, दीक्षा के भी रेफरेंस से अब लोग दीक्षा को देख के भी लोगों को लगेगा कि भाई दीक्षा को रिजल्ट मिला है तो हमको भी मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा जाके बिल्कुल सही एकदम हो जाएंगे हम, तीन महीने के बाद जो फिर खुद ही हमें खुद ही आने पड़ेगा। सही बात है सर। थैंक यू वेरी मच दीक्षा, थैंक यू। ओके।